बाड़मेर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। हेड कांस्टेबल उगमदान को ट्रैप किया गया है, साथ ही एक दलाल स्माइल को भी यहां पर ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने दिया कार्रवाई को अंजाम। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाड़मेर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें हेड कांस्टेबल उगमदान को यहां पर ट्रैप किया गया है, साथ ही एक दलाल स्माइल को भी यहां पर ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने दिया कार्रवाई को अंजाम। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर ही कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक दलाल स्माइल को भी यहां पर ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते यहां पर ट्रैप किया गया है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने दिया कार्रवाई को अंजाम और वहीं डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से, हेड कांस्टेबल उगमदान को किया गया ट्रैप। ₹10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से, हेड कांस्टेबल उगमदान को ट्रैप किया गया है, साथ ही एक दलाल जिसका नाम स्माइल बताया जा रहा है उसे भी ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। देखिए एसीबी लगातार यहां पर कोई ना कोई कार्रवाई। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नवीन, किस तरीके से इन लोगों को ट्रैप किया गया है? देखिए बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हासिल की और एसीबी ने दो घुसखोरों को एक साथ दबोचा, यानी बाड़मेर जो ग्रामीण पुलिस थाना है वहां का जो हेड कांस्टेबल है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है, इसके साथ जो उसका जो दलाल है इस्माइल नाम का वो भी एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। एसीबी ने दोनों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ये कुछ शराब की बोतलों से जुड़ा हुआ पूरा ये प्रकरण था, उसको लेकर ये पूरी रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं रामनिवास सुंदा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो डीआईजी विष्णुकांत हैं उनके निर्देश पर ये उनकी मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीजी बीएल सोनी और डीजी दिनेश शर्मा दोनों मुख्यालय में है और मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हेड कांस्टेबल है उसके घर के ऊपर घर है वहां पर एसीबी की एक टीम पहुंच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई के बाद में जो बाड़मेर ग्रामीण जो पुलिस थाना है वहां पर हड़कंप का माहौल है और अब पुलिस है जो एसीबी है वो और भी कई एंगलों से जांच कर रही है, यही पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल थे। अब एसीबी कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ करेगी, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एसीबी ने घूस लेते हुए दो घूसखोरों को, यानी एक हेड कांस्टेबल एक अपने आप में ही एक बहुत जो पहले भी कई बार रिश्वत की डिमांड कर चुके थे लेकिन एसीबी की गिरफ्त से बचते रहे, लेकिन आज वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। रीता, चलिए नवीन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके सामने, देखिए जिसे ट्रैप किया गया है उनकी तस्वीर है आपके सामने, हेड कांस्टेबल की तस्वीर यहां पर आपके सामने और जो दलाल साथ में ट्रैप किया गया है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें आपके सामने।